नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों इस वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर में 40 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट पेपर है जो आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो अंत तक देखकर सारे क्वेश्चन अटेंड करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। अगर आपके 35 प्लस नंबर आते हैं तो समझ जाइए तैयारी आपकी वेरी 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 गुड है। ठीक है दोस्तों, और लिंक को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको पर डे प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। हाँ, कमेंट एक ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हमारी मेहनत हमें पता चलेगी कि आपको कितना पसंद आ रहा है वीडियो। और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ लास्ट में जो सरप्राइज क्वेश्चन पूछा है उसको ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास का टाइम टेबल स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चलिए देखते हैं। तो 1 गीगाबाइट जो होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन मोस्टली सभी का सही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाइना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, दीप शिखा किसने लिखी है? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो दीप शिखा नामक कृति जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी प्रसिद्ध कृति है, कई एग्जामों में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चलिए देखते हैं। तो इनमें से जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चलिए देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े हुए थे? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजनी नायडू जो थे वो गांधी जी से जुड़ी हुई थी, ऑप्शन नंबर सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री भंडार नायके श्रीलंका की सबसे पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चलिए देखते हैं। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चलिए देखते हैं। तो दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि मुझे पता है कि सारे क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे क्योंकि आपकी मेहनत इतनी अच्छी है, तैयारी इतनी अच्छी है एग्ज़ाम को लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी जितना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा। 35 प्लस स्कोर वाकई में बहुत ही अच्छा स्कोर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इरहा स्क्रीन पर,
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, राइट आंसर क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो, जापान स्थित टोक्यो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 8 साल के बाद, ये उपलब्धि जो है भारत के दिल्ली को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, राइट आंसर क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, झांसी की रानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरी तरह रंगीन फिल्म भारत में निर्मित, भारत की पहली रंगीन फिल्म झांसी की रानी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से हैं वो बताइए। चलिए देखते हैं, तो दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। वी द पीपल के लेखक कौन है, राइट आंसर क्या है, बुक है, इस बुक के लेखक कौन है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो वी द पीपल के लेखक कौन है, नानी पालखीवाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नानी पालखीवाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। वियना सम्मेलन कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1815, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो हीरे का अपवर्तनांक जो है आपका 2.42, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो कौन सा देश है ये, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर तुर्की, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सही उत्तर क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरहा स्क्रीन पर। इंटरनेट पटे में HTTP का मतलब क्या होता है, बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरहा स्क्रीन पर। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, तो दादा भाई नौरोजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हॉकी का खिलाड़ी कौन नहीं है, GS रामचंद, ये सिनेमा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो जर्मनी का एकीकरण जो है ऑप्शन नंबर 1871 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय रोका जा सके, राइट आंसर क्या है बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय दंत मंजन का। तो मुंह साफ करने के लिए क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए जिससे दांतों का क्षय रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो बिहू जो है आपका ऑप्शन नंबर असम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहू लोकप्रिय उत्सव असम सरकार का, असम राज्य का, सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहा स्क्रीन पर। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ, 1707, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए देखते हैं, तो व्हाइट हाउस ईयर्स जो है हेनरी किंगसर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरहा स्क्रीन पर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही उत्तर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई आर्थिक नीति का जन्म किसने दिया था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो लेनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेनिन एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने नई आर्थिक नीति की व्यवस्था शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरहा स्क्रीन पर, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे ज्ञानपीठ 2018 का सम्मान पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो इनमें से अमिताभ घोष को 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? राइट आंसर क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी एक देव नृत्य की कैटेगरी में आता है, ऑप्शन नंबर कुचिपुड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सही उत्तर क्या है बोलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप, सॉरी ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको बताना है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में किसने उल्लेखित किया था, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। मुझे पता है आपने आंसर दे दिया होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। साथ में दोस्तों वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी मेहनत पहुँचे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है, अपनी एक राय ज़रूर दें, क्वेश्चन आपसे कितने अच्छे बने, कितने बने, कितने नहीं बने, एक कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको पर डे प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते रहें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर ज़रूर बताइएगा, आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा, वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।